सऊदी अरब से अहम खबर के साथ मैं हूं अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं अरब न्यूज़ उर्दू। नाज़रीन, सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों से दरख्वास्त है कि वो अपनी किसी भी कंपनी में काम के दौरान सादा कागज़ पर दस्तखत हरगिज़ ना करें। सऊदी वजारत मेहनत की जानिब से अहम पैगाम जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि अपने काम की जगह पर मुतलका कंपनी के किसी भी मैनेजर को आप सादे कागज़ पर दस्तखत करके हरगिज़ ना दें। सऊदी अरब के वजारत मेहनत व समाजी बहबूद की जानिब से आजर व अजीर के हकूक़ के तहफ़ुज़ के लिए बेहतर इकदाम का सिलसिला जारी है। वजारत मेहनत ने गुज़िश्ता हफ्ते कारकुनों की मुआहदा मुलाजमत को डिजिटल तरीके से वजारत की वेबसाइट पर दर्ज कराने के लिए मरहलावार सिस्टम की मंजूरी दे दी है। मुलाजमत के मुआहदे के डिजिटल तस्दीक से जहाँ गैर मुल्की कारकुनों को फ़ायदा होगा, वहीं कंपनी मालकान के हकूक़ भी महफूज हो सकेंगे। मुमलिकत सऊदिया के कानून मेहनत के मुताबिक वर्क एग्रीमेंट यानी मुआहदा मुलाजमत की बहुत ही अहमियत है। किसी भी तनाज़े के वक्त मुलाजमत के मुआहदे को बुनियाद बनाकर अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है। कानून मेहनत के तहत गैर मुल्की कारकुनों की मुलाजमत के मुआहदों की सालाना बुनियाद पर तजदीद लाजमी है। पुराने मुआहदे उस वक्त तक मनसूख हो जाते हैं जब उनकी जगह नए मुआहदे पर दस्तखत किए जाएं। वर्क एग्रीमेंट उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होता जब तक उस पर फरेकिन की जानिब से दस्तखत मौजूद ना हों। गैर मुल्की कारकुनों को इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि तजदीद किए जाने वाले मुआहदों पर वो शराइत दर्ज की गई हों जिन्हें आजर ने मंजूर किया हो। मुलाजमत के मुआहदों में इस अमर का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है कि तजदीद के वक्त मुआहदे पर वो तनख्वाह और मराहत वाज़े तौर पर दर्ज की गई हों जो वर्कर कारकुन उस वक्त वसूल कर रहा है। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि मुआहदे की तजदीद के वक्त कारकुन को दी जाने वाली पुरानी तनख्वाह दर्ज कर दी जाती है, जिसका असर कारकुन के हकूक़ पर पड़ता है। यानी जब वो मुलाजमत से सबकदोश हो या आजर से किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो उसे मुआहदे में दर्ज शुदा तनख्वाह के हिसाब से अदायगी की जाती है। मुमलिकत सऊदिया के कानून मेहनत के मुताबिक कारकुनों के हकूक़ व वाजिबात की मद में मुलाजमत के इब्तदाई 5 बरस तक कारकुनों को 1 साल गुजरने पर 1 माह की आधी तनख्वाह अदा की जाएगी। यानी अगर किसी कारकुन को 4 बरस मुलाजमत करने के बाद वापस जाना पड़ता है तो उसे 4 बरस के हिसाब से 2 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी। 5 बरस मुसलसल मुलाजमत के बाद हर बरस 1 माह की तनख्वाह के हिसाब से वाजिबात अदा किए जाएंगे। मुआहदे में जो मजमूई तनख्वाह दर्ज होगी उसी हिसाब से कारकुन को हकूक़ की मद में अदायगी की जाएगी। वर्क एग्रीमेंट इंतहाई अहम होने की वजह से कारकुनों को चाहिए कि वो अपने इदारों में मुआहदों की हर बरस तजदीद कराते रहें। वजारत मेहनत की जानिब से मुआहदों की डिजिटल तस्दीक से कारकुनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि इनफरादी आजरों के पास काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन किसी वजह से सादे कागज़ पर दस्तखत तो कर देते हैं जो कि बाद में उनके लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनता है। सादे कागज़ पर दस्तखत करने का मतलब ये होता है कि कारकुन अपने हकूक़ और वाजिबात से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदार हो गया है। इसलिए इस अमर का ख़ास ख्याल रखा जाए कि किसी भी सूरत में सादे कागज़ पर दस्तखत या अंगूठे के निशान ना लगाए जाएं। वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक आजरों को इस अमर का भी पाबंद बनाया गया है कि कारकुनों को तनख्वाह की अदायगी बैंक के ज़रिए की जाए ताकि उनके हकूक़ का तहफ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बैंकों के ज़रिए तनख्वाह की अदायगी ठोस सबूत होती है जिसे किसी भी इख्तलाफ की सूरत में अदालत में पेश किया जा सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपने तजुर्बात और राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को सुनने के साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। इससे हमें मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हौसला अफज़ाई मिलती है। नाज़रीन, आपकी कोई भी मसाइल हों सऊदी अरब से मुतालिक, आपके पास कोई ख़बरें हों या न्यूज़ हों, या अपने तजर्बा से दूसरों को आगाह करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। आपकी राय का हम ना सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि आपकी दी गई सजेशन पर इंशाल्लाह ताला हम अपने यूट्यूब चैनल पर मज़ीद इस किस्म की डिटेल अपलोड किया करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।